खबरों की माने तो फिल्म ब्लैक से लाइमलाइट में आई एक्ट्रेस आयशा कपूर को शेखर कपूर ने अपनी मस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म बानी के लिए साइन कर दिया है। सोर्सेज की माने तो आयशा का नाम शेखर को आदित्य चोपड़ा ने रेकमेंड किया था और शेखर कपूर को आदित्य की चॉइस पसंद आई है। सोर्सेज की माने तो ऋतिक रोशन आमिर खान की तरह ही रियलिटी टीवी शोज पर अपनी फिल्म बैंग बैंग को प्रमोट नहीं करेंगे। दरअसल ऋतिक रोशन का कहना है कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है और बिना इस तरह के प्रमोशन के भी उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। फिल्म राजा नटवरलाल के फ्लॉप होने की पूरी रिस्पांसिबिलिटी भले ही इमरान हाशमी ने अपने ऊपर ले ली है, लेकिन महेश भट्ट का कहना है कि इमरान से ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर कुणाल देशमुख इस फिल्म के डिबाकल के लिए रिस्पांसिबल है। साथ ही महेश भट्ट का कहना है कि इमरान अपनी अपकमिंग फिल्म से जबरदस्त वापसी करेंगे। सोर्सेज की माने तो प्रभुदेवा एक्टर टाइगर श्रॉफ और सूरज पंचोली को एक साथ साइन करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल प्रभुदेवा यंगस्टर्स के लिए एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इस फिल्म के लिए दो नए चेहरों की तलाश थी और अब कहा जा रहा है कि प्रभुदेवा की ये तलाश टाइगर और सूरज पर जाकर खत्म हुई है। खबरों की माने तो रोहित धवन की अपकमिंग फिल्म में वरुण धवन के साथ साथ जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। दरअसल जॉन रोहित के काफी अच्छे दोस्त हैं और ऐसे में हो सकता है कि फिल्म में एक स्पेशल रोल के लिए जॉन को रोहित ने साइन किया हो। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा बहुत जल्द एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकती हैं। सोर्सेज की माने तो ऋचा ने ऑलरेडी इस फिल्म को साइन कर लिया है और वो इस फिल्म की शूटिंग कुछ समय में शुरू करने जा रही हैं। खबरों की माने तो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बहुत जल्द एक हॉलीवुड फिल्म डेफिनेशन ऑफ फियर में नजर आएंगी। जैकी फिलहाल फिल्म रॉय की शूटिंग कर रही है और इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए कनाडा जाएंगी। एक्टर कमल हासन को रिसेंटली फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया था और अब सोर्सेज की माने तो कमल हासन की तबीयत में सुधार हुआ है और डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। रिसेंटली फिल्म दावत इश्क की प्रमोशनल यात्रा के दौरान आदित्य रॉय कपूर बड़ी मुश्किल में फंस गए। जी हाँ, एक रेस्टोरेंट के बाहर प्रमोशन के दौरान अचानक काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और आदित्य के बॉडीगार्ड्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन लकीली इस इंसिडेंट के दौरान किसी को चोट नहीं आई। एक्टर शाहिद कपूर का ये कहना है कि वो हैदर के लिए काफी एक्साइटेड हैं और कॉन्फिडेंट भी। द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर एंड इज ऑल्सो क्लैशिंग विद ऋतिक्स बैंग बैंग एट द सेम टाइम। लेकिन शाहिद की माने तो उनकी फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ही बिलीव्स दैट बोथ द फिल्म्स विल फेयर वेल एट द बॉक्स ऑफिस। एस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और अक्षय कुमार का याराना काफी पुराना है। गणेश के साथ अक्षय पहले मैदाने जंग में काम कर चुके हैं और अपनी इसी दोस्ती की खातिर अक्षय अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ वक्त निकालकर गणेश आचार्य की फिल्म हे ब्रो के स्पेशल सॉन्ग में नजर आएंगे एज ही हैज गिवन हिज नॉट। शाहरुख खान और ट्रेन्स का याराना काफी पुराना है। अपनी बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख खान ने ट्रेन सीन्स किए हैं, चाहे वो DDLJ हो या फिर उनकी लास्ट रिलीज फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस। और अब खबरों की माने तो आदित्य चोपड़ा की एक फोर्थ कमिंग प्रोडक्शन में शाहरुख खान एक बार फिर से नजर आएंगे एक ट्रेन सीक्वेंस में।